हूं। जितने भी रोड पे मेरे भाई हैं सभी को मेरा नमस्कार, सभी को प्रणाम। मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, युवाओं को कोई धन्यवाद नहीं दूंगा। कल भी कहा था, आज भी, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें एक मौका मिला है और जिम्मेदारी निभाना चाहिए। और अभी जो साहब बोल रहे थे, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं, क्योंकि जब कोई वक्ता स्टेज में बोलता है तो बहुत जरूरी है कि हम उनको एक संबोधन दें तालियों से। तो यहां जितने भी लोग बैठे हैं, हमारे छोटे बच्चों के लिए केवल एक बार तालियां बजा दें, उसके बाद मैं संबोधन शुरू करूंगा। सबसे पहले छोटा सा परिचय, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, बहुत लंबा परिचय नहीं है। बागी श्रद्धानंद मेरा नाम है, और बागी इसलिए हूं कि हमने किससे सुने थे भगत सिंह के बारे में, हमने कहानियां पढ़ी थी राजगुरु जी के बारे में, चंद्रशेखर आजाद के बारे में, हमारे पूर्वजों में। और मैं स्वयं एक ऐसे परिवार से हूं जहां मेरे दादाजी स्वर्गीय बागी गंगाधर जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद इन फौज के संस्थापक सदस्य थे और कई साल जेल रहे। तो मैंने परिवार में वो माहौल पाया है, और मेरे ख्याल से भारत की मिट्टी में एक बगावत है तो केवल मेरा बागी क्यों। आप लोग बगावत के लिए तैयार हैं? हाथ उठाकर बोलेंगे बगावत के लिए तैयार हैं? सबसे पहले माननीय मोदी जी को मैं धन्यवाद दूंगा। प्रधानमंत्री के पद का एक गरिमा है और उस पद का मैं सम्मान करता हूं। उस पद पे जो भी बैठेगा, एक संविधान को मानने वाला बागी हूं मैं, इलीगल बागी नहीं हूं। मैं क्यों धन्यवाद देना चाह रहा हूं माननीय मोदी जी को, उसको आप गौर से सुनेंगे, तुरंत ही नाराज मत होइएगा। अभी आया हूं तो 5 मिनट लेके जाऊंगा, और वो 5 मिनट आपके दिल में एक आगाज भी जगा के जाऊंगा। भाषण देना मेरा काम नहीं है, उस खून में उबाल रहना जरूरी है। आज जिस हाल में हम लोग हैं, इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। मैंने कल भी कहा था, नोटबंदी हुई हम चुप थे, ईवीएम आया हम चुप थे, काले धन के नाम पे जीएसटी किया हम चुप थे। धन्यवाद मोदी जी, आपने सबसे बड़ा प्रहार किसानों के ऊपर किया। आपको अखंड भारत चाहिए था, आज किसान आंदोलन में अखंड भारत मौजूद है, यही मौजूद है आप लोगों के बीच। भाजपा वाले हिंदू और मुसलमान करते थे, कोई बड़ी बात नहीं। आज उन्हें सिखों की कुर्बानी याद नहीं रहती। वो सिख जो सारागढ़ी में अक्षय कुमार जी केसरी मूवी बनाते हैं, जब हम उस मूवी को देखते हैं तो हमारे खून में उबाल आ जाता है। 18 लोग हजारों के संख्या में दहशतगर्दों से लड़ते हुए, तो आप अंदाज लगा लीजिए, आज सिनेमा का माहौल नहीं है, आज यहाँ लाखों लोग मौजूद हैं। अगर हम सैलाब में आ जाएंगे तो देश का हाल क्या होगा। लेकिन हमारी जो बगावत है वो बहुत संवैधानिक तौर पे होगा। दोस्तों, इनका पूरा चाल बहुत साधारण था कि देश की जनता 135 करोड़ लोगों में, ये भाषण उन तमाम अंधभक्तों के लिए विशेष तौर पे है, क्योंकि हमारा आप तो एक ही है, लेकिन हमें उन्हें भी लाना होगा अपने बीच। जो लोग ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र, मैं स्वयं एक गर्वित हिंदू ब्राह्मण हूं, लेकिन मेरा हिंदुत्व नहीं सिखाता कि मैं किसी से बैर लूं। और अभी थोड़ी देर पहले एक भाई साहब ने मंच पे कहा था हिंदुस्तान, तो मैं हिंदुस्तान में यकीन नहीं करता, मैं भारतीय हूं, मैं भारत में यकीन रखता हूं। इस मुल्क का नाम भारत है, इसे बदलने मत दीजिए, इसे बदलने मत दीजिए। यह उनकी पहली जीत थी जब वो हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहते हैं। कहां लिखा है हिंदुस्तान? भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा रहता है नोट में। आपने देखा है क्या बैंक ऑफ हिंदुस्तान? देखा है आप लोगों ने? और मेरे चंद सवाल होंगे आपसे, केवल हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। किसान बिल पे आएंगे, किसानों पे आएंगे, पहले भारतीयों के लिए आते हैं कि ये लोग आखिरकार किसान तक आए क्यों। इस मंसूबे को समझिए, और अगर उनको हराना है तो उन्हीं के तरीके से हमें लड़ना है। वो आईटी से लड़ेंगे, हम आईटी से लड़ेंगे, वो जुमले से लड़ेंगे, हम जुमलों से लड़ेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो चलिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं, हमने अच्छे दिन मांगे थे क्या? जोर से बोलेंगे, हमने काला धन वापस लाने के लिए बोला था क्या? हमने जीएसटी लाने के लिए बोला था क्या? हमने नोटबंदी लाने के लिए बोला था क्या? हमने काला बिल लाने के लिए बोला था क्या? हमने 15 लाख मांगे थे क्या? अब देखिए, वो कहते हैं कि 6 साल में हमने देश को एक नए
परचम में एक नई उड़ान में पहुंचा दिया है और 70 साल में सरकारों ने लूटा है। मैं ना यहाँ कांग्रेस की बात करता हूँ, ना केजरीवाल जी के बारे में बात करता हूँ, ना ही बादल सरकार की, क्योंकि मैं एनार्किस्ट हूं। मैं गवर्नमेंट में बिलीव नहीं करता, मैं नहीं बिलीव करता, मैं भारतीयता में बिलीव करता हूं। शुक्र है कि मोदी जी को केवल 6.5 साल मिले। अगर मोदी जी को गलती से 60 साल मिल गए होते ना, तो हम लोग केले का पत्ता लपेट के झिंगा लाला हुर ये कहते हुए डोलते, क्योंकि ये हमसे तन का कपड़ा भी छीन लेते। लेकिन आज वो कहते हैं राम राज्य, तो चलिए इसी के ऊपर 2 मिनट आपके ले लेते हैं। नेपाल, ये कहते हैं कि सीता जो है वो नेपाल की है। कहां की है? जोर से बोलिएगा, कहां की है? उसी नेपाल में माता सीता की धरती में पेट्रोल 50 रुपए लीटर बिकता है। कितने रुपए लीटर? और अब श्रीलंका की बात करते हैं, जहां रावण आते हैं। श्रीलंका जो कि रावण की धरती है, वहां 53 रुपए में पेट्रोल बिकता है। कितने रुपए में? 53 रुपए में। तो मैं माननीय योगी जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी से एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा, एक साधारण भारतीय हूं, कि अगर राम राज्य है और नेपाल में 50 रुपए और रावण के श्रीलंका में 53 रुपए का पेट्रोल बिकता है, तो राम राज्य में पेट्रोल 100 रुपए में क्यों बिकता है? मुझे इसका जवाब चाहिए, मुझे इसका जवाब चाहिए। सवाल किसान बिल का नहीं है दोस्तों। अगर ये किसान बिल लागू हो गया तो आलू को पैदा करने वाला जो किसान है वो गरीबी की मौत मरेगा, लेकिन उसी आलू का चिप्स बनाने वाला जो कंपनी होगा लेज, वो करोड़पति बनेगा, वो करोड़पति बनेगा। ये किसान बिल है। असल में ये किसान बिल नहीं है भाइयों, ये किसान के हत्याओं का बिल है। तो जितने भी लोग आप यहां बैठते हैं, यहां केवल मोदी की बात नहीं है, एक विचारधारा की बात है। संपूर्ण भारत में एक विचारधारा थोपा गया है। आप सोचिए, जहां पे आप बैठे हैं इस जगह में, मैं आपको उदाहरण दूंगा, किसान बिल और प्राइवेटाइजेशन में क्या चाल है, जिसके हम सब मरीज बन रहे हैं। आप समझिएगा, पहले इंटरनेट को इसलिए रोका जाता था कि गलत समाचार और दंगे ना भड़के, आज इंटरनेट को इसलिए रोका जा रहा है कि सच्चाई को ना दिखाया जाए, कि सच्चाई को ना दिखाया जाए। आप समझिए इनकी चाल को और गौर से देखिए। आज तो इंटरनेट है, इन्होंने BSNL को बंद कर दिया। अगर BSNL होता तो करोड़ों रुपए भारतीय सरकार को मिलता, लेकिन आज जियो है, ये नेट बंद कर दे तो नेट बंद। अब सोचिए एक बार के लिए, कल को अगर ये हमारी फसलें खरीद लें, क्या खरीद लें? फसलें। और कल को अडानी जी बोले, नहीं मैं आज आलू नहीं बेचूंगा, नहीं मैं आज गेहूं नहीं बेचूंगा, नहीं आज बाजार में चीनी नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे? तो ये है किसान बिल। और जो भी मंत्री, मैंने तो माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कई बार पूछा है, इस सवाल पूछने से 27 बार की मेरी जेल यात्रा रही भाइयों, 27 बार आप मेरे पेज पे देखेंगे, घसीटते हुए लेके जाते हैं, लेकिन हमने सवाल पूछना बंद नहीं किया, क्योंकि इस मुल्क की हवा में थोड़ी मिलावट हो गई थी। वो क्या है ना, हमें भगत सिंह तो जरूर पसंद है, लेकिन हमें भगत सिंह चाहिए पड़ोसी के घर में। किसान आंदोलन का कोटि कोटि प्रणाम कि आज हर आदमी अपने घर में भगत सिंह को चाहता है, हर परिवार भगत सिंह को अपने घर में चाहता है। यह है किसान आंदोलन। और आप सुनिएगा, ज्यादा समय में नहीं लूंगा आप लोगों का, मैं सड़क का आदमी हूं, मैं सड़क में ही होता हूं। जो जुमले करते हैं, तो उन जुमलेबाजों को मैं एक बात करते हैं, आओ कुछ नई बात करते हैं, आओ कुछ नई बात करते हैं, जुमले फिर कभी करते हैं। तुम डोनाल्ड ट्रंप के पास जाओ, आओ साथियों हम किसान आंदोलन चलते हैं, आओ साथियों हम किसान आंदोलन चलते हैं। और तुमने मांगा था अखंड भारत, तुमने मांगा था अखंड भारत, आना कभी सिंगू बॉर्डर, तुम्हें अखंड भारत दिखलाते हैं, तुम्हें अखंड भारत दिखलाते हैं। दोस्तों, इस अखंडता को, इस एकता को, जात बिरादी धर्म, बंगाल से लेके जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश, सबको एक होना है। ये सरदारों का आंदोलन नहीं है, बंगालों का आंदोलन नहीं है, बिहारियों का आंदोलन नहीं है, और ना ही ये सिक्किम का आंदोलन है। 135 करोड़ संपूर्ण भारतीयों का ये एकमात्र आंदोलन है, किसान आंदोलन।
किसान आंदोलन, किसान एकता, किसान एकता। और देखिए एक लाइन आपको बता दूंगा कि हमने हमेशा आरटीआई में भी दाखिल किया है। मैं भी 20 साल से वर्जिश कर रहा हूं, निरंतर दौड़ता हूं और अभी भी 50 दंड लगा दूंगा अच्छे से। मुझे आज तक वो दर्जी नहीं मिला जिन्होंने मोदी जी का सीना ना पाओ कि उनका 56 इंच का सीना है। और मुझे आज तक स्टेशन में काम करने वाला वो व्यक्ति नहीं मिला जो ये कह दे कि चाय वाला यहां पे चाय बेचता था, लेकिन आप सब जानते हैं कि आज चाय वाला चाय नहीं बेच रहा है, आज पूरे रेलवे को बेच रहा है, आज स्टेशन को बेच रहा है और इसी तरह वो हमारे हर चीज को बेचेगा। इसीलिए एकत्रित हो जाएं, एकत्रित हो जाएं और किसी को कोई टाइम देने की जरूरत नहीं है कि इतने टाइम तक वापस करो। बिल वापसी तो घर वापसी, एक साथ बोलेंगे बिल वापसी, बिल वापसी। बोले सोनियाल, वाहेगुरु द खालसा, वाहेगुरु द खालसा, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद, जय भारत।